हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पर। आज हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट वन में हम लोगों ने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ लिया था, आर्टिकल एक से आर्टिकल चार तक पढ़ लिए थे। दोस्तों इस हम लोग आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिटीजनशिप का सोर्स क्या है। सिटीजनशिप का सोर्स ब्रिटेन है। सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप है, जो कि ब्रिटेन से ली गई है। तो आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता। जब दोस्तों जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, वैसे ही जो भी लोग यहाँ पे भारत में थे, भारत की क्षेत्र में थे, उनको नागरिकता प्रारंभ से ही संविधान के लागू होने से ही मिल गई। हु इज़ बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत में जन्मा हो। कौन कौन सी इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, जो भारत में जन्मा हो, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों। तीसरी कंडीशन ये है, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान के लागू होने से पहले भारत में 5 साल रहा हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 6 में क्या है। पर्सन्स हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत में आ गया है, भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित ये आर्टिकल है, जिसमें किस किस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। पहली कंडीशन ये है, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, वह या उसके माता पिता या उसके दादा दादी भारत में जन्मे हों। पहली कंडीशन ये है आर्टिकल 6 में, कि उसके माता पिता, पेरेंट्स या दादा दादी भारत में जन्मे हों तो वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सच पर्सन्स हैज़ माइग्रेटेड बिफोर द 19 जुलाई 1948, जो भारत 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुके हों। यदि नहीं भी आए हैं तो जो पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद भी आए हैं तो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको कम से कम 6 महीने रहना पड़ेगा। 19 जुलाई 1948 के बाद यदि आए हैं तो उनको कम से कम 6 महीने 6 मंथ रहना पड़ेगा, देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो भारत के नागरिक होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, 7, 7 किससे संबंधित है, पाकिस्तान। राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान जाने वाले या प्रव्रजित होने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। यहाँ का क्या मतलब है दोस्तों, ए पर्सन हु हैज आफ्टर 1 मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो दोस्तों 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए हैं, उनको नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये आर्टिकल भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित आर्टिकल है। इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, NRI, PIO, OCI। NRI क्या है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। दोस्तों एक शॉर्ट्स में आपको बताया था कि जो व्यक्ति बाहर किसी अन्य देश में 182 दिन या उससे अधिक रहता है तो उसको NRI बोला जाता है। PIO, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या होता है, जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो व्यक्ति यहाँ से गया है, वहाँ की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता ले ली है, उसको PIO बोला जाता है। OCI, जो 26 जनवरी 1950 के बाद में गया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नाउ PIO, OCI दोनों एक ही में मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। यदि अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो यहाँ का नागरिक नहीं होगा, आर्टिकल 9 में सिर्फ ये बताया गया है। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जो भी हमको अधिकार मिले हुए हैं नागरिकता के तहत वो जारी रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 11,
आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने व रद्द करने का अधिकार संसद के पास है। अब जो भी कानून बनाए जाते हैं नागरिकता से संबंधित, उसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके तहत ही। अब यदि नागरिकता संबंधित कोई कानून बनाना है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करके किया जाता है। कि अभी प्रेजेंट में जैसे कि CA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में संशोधन करके बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों आगे हम अभी सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ेंगे, उसमें ये देखेंगे कि नागरिकता कैसे मिलती है, जैसे कि बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, और इसी एक्ट के तहत कैंसिलेशन भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से नागरिकता रद्द की जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।